हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस है। बीएससी थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी, वो उसका आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या है, ये तीन आपके पेपर आते हैं। तो पहला आपका पेपर है एप्लाइड जूलॉजी, और सेकंड पेपर आपका है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और आपका थर्ड पेपर है यानी कि इवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले पेपर में क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है। तो इसमें लिखे हैं कल्चर्स। तो कल्चर्स मतलब जैसे इसमें लिखा है एक्वा कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैक कल्चर, पीसी कल्चर। तो पूरा पेपर आपका कल्चर से बना है, जैसे फ्रॉग कल्चर होता है, प्रॉन कल्चर होता है ना, इस प्रकार के फिश कल्चर होते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें कल्चर्स की स्टडी करना है, उसे बोलते हैं एप्लाइड जूलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा इसमें किस प्रकार की स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में क्या है, ये आप देख रहे हैं, सेकंड पेपर में है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी, और इसका मीन्स होता है पर्यावरण। तो इसमें जो भी आपका जो टॉपिक है, जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब होता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र, और ये होता है आपका पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या आएगा, आपका ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, एनर्जी फ्लो है, इकोसिस्टम है, पिरामिड्स हैं यानी कि बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर सल्फर, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट इंडिया, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर, एडेप्टेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इस प्रकार के आपके टॉपिक हैं। इसमें मॉइस्चर है, सैलिनिटी है, लाइट है, टेम्परेचर है, कॉम्पिटिशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कॉमनलिज्म है एंड म्यूटलिज्म है, और आपका लास्ट में है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस प्रकार के इसमें टॉपिक आपका क्या है, ये अच्छा पेपर है आपका इन्वायरमेंट का, सारी चीज़ को आप स्टडी करना है। थर्ड पेपर आपका आता है इवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। इवोल्यूशन मीन होता है ग्रोथ करना, वृद्धि करना, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी मीन्स। इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनकी उत्पत्ति यानी कि ऑरिजिन्स ऑफ लाइफ, किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, किस प्रकार उनकी स्टडी करना है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है आपका माइक्रो और मैक्रो यानी कि मेगा इवोल्यूशन, थ्री टाइप होते हैं, माइक्रो भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं, और मेगा इवोल्यूशन भी होते हैं। इसके बाद आपके जो स्पीसीज हैं, जातियाँ यानी कि फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं यानी कि फाइलोजेमी यानी कि हॉर्स, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, किस प्रकार से मैन में ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुए, माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान है, इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज, किस प्रकार से डिसीज जो होती हैं बैक्टीरिया से या वायरस से, जैसे इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, ये इससे डिसीज हो रही है, ये भी आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से आपके थर्ड पेपर में क्या है, ये आपके टॉपिक हैं। तो आपके तीनों पेपर आपको धीरे करके इसमें कराएंगे, इसलिए मैंने आपको क्या इंट्रोडक्शन दे दिया, आप समझ गए होंगे। थैंक यू मानव मानव सोनी सर जूलॉजी, आपको कल से आप रूटीन से आपको इस पेपर से या सेकंड पेपर से आपको शुरू करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।